यदि किसान साथियों आपकी सरसों की फसल में फलियां बनना शुरू हो गई हैं और आप चाहते हैं कि जो सरसों की फलियां आपकी बन रही हैं उन सरसों की फलियों की संख्या को 20 से लेकर 25% तक और अधिक बढ़ाने के लिए मैं आज आपको ऐसे दो स्प्रे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनका उपयोग अगर इस समय आप अपने सरसों की फसल में करते हैं तो 100% आपके सरसों की जो पैदावार है वह 20 से लेकर 25% तक आपको अधिक मिलने वाली है। तो किसान साथियों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो किसान भाइयों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो किसान साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो यदि किसान भाइयों आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर आल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भविष्य में भी मिलती रहेगी। तो सरसों में फलियां बनते समय किसान भाइयों जिन दो स्प्रे को आपको करना है उसको बताने से पहले किसान भाइयों सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि उसको डालने से पहले हमें कौन कौन सी सावधानियां और कौन कौन सी खास बातों का ख्याल रखना होगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है कि इस स्प्रे का आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आपके सरसों की फसल में फलियां बनना शुरू हो जाएं। ऐसा ना हो कि आपके सरसों में अभी फूल ही बन रहे हैं और आप इसका उपयोग कर देंगे किसान भाइयों तो हमारे जो फूल हैं वह झड़ सकते हैं और हमारे फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अगला किसान भाइयों जो ध्यान रखना है वह है किसान भाइयों नमी की जो है पर्याप्त मात्रा आपको सरसों की फसल में रखनी होगी। यदि किसान भाइयों आपके सरसों के खेत में नमी की पर्याप्त मात्रा नहीं है तो यह जो स्प्रे की काम करने की क्षमता किसान भाइयों वह काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और हमारे सरसों की फसल को 100% लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले किसान भाइयों आपको यह सुनिश्चित करना है कि जब भी आपको इस स्प्रे का अपने सरसों की फसल में उपयोग करना है तो आपके सरसों की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों जिन दो स्प्रे का इस्तेमाल हमें अपने सरसों की फसल में करना है अगर मैं उनके खर्चे की बात करूं किसान भाइयों तो मात्र 300 से लेकर 400 रुपए के अंदर वो दोनों स्प्रे आ जाएंगे। तो जो सबसे पहला स्प्रे है किसान भाइयों उसका नाम है बोरोन। किसान भाइयों इस समय हमारे सरसों की फसल को बोरोन की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है। यदि किसान भाइयों इस समय हम उसमें बोरोन का स्प्रे सही मात्रा में कर देते हैं किसान भाइयों तो हमारे सरसों का जो उत्पादन है वह हमको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। सरसों की जो फलियां होती हैं किसान भाइयों वह लंबी बनती हैं, उसमें जो दाने का भराव होता है वह बहुत ही बढ़िया होता है। 20% वाला बोरोन आपको लेना है किसान भाइयों, उसकी जो मात्रा किसान भाइयों 1 एकड़ में 100 ग्राम बोरोन आपको लेना है, यह पर्याप्त मात्रा है 1 एकड़ के लिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों इसमें एक और स्प्रे को मिलाना है आपको, उसका नाम है किसान भाइयों NPK 0-52-34। सरसों में फलियां बनते समय किसान भाइयों इसका रिजल्ट हमें बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसान भाइयों गजब का होता है हमारे सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। NPK 0-52-34 में किसान भाइयों जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वह 0% होती है, फास्फोरस की मात्रा होती है किसान भाई वह 52% होती है, पोटास की मात्रा जो है वह 34% होती है। क्योंकि किसान भाई इस समय हमारी सरसों को बढ़वार की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हमें नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है किसान भाइयों फास्फोरस और पोटास की, जो दोनों इनमें उपलब्ध हैं। उसके साथ में किसान भाइयों जब बोरोन मिल जाएगा इन दोनों का गजब का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, या हमारे सरसों में किसान भाइयों दाने की जो भराव होगा वह ज़्यादा होगा, जो फलियाँ होंगी वह काफ़ी लंबी बनेंगी, हमारी सरसों की जो दाने होंगे वह मोटे और लंबे होंगे, और किसान भाइयों जो हमारे सरसों की फलियां बनेंगी वह फलियों का जो साइज होगा वह काफ़ी बड़ा होगा, और साइज बड़ा होगा किसान भाइयों तो उसमें जो है दाने का भराव वह अधिक होगा, और दाने का भराव अगर अधिक होगा तो हमारे सरसों का जो उत्पादन है वह काफ़ी अच्छा हमको मिलेगा। NPK 0-52-34 की मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो इसको आप 1 एकड़ में 1 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों, 1 एकड़ के लिए 1 kg यह पर्याप्त है। किसान भाइयों NPK और बोरोन को किसान भाइयों आपको दोनों को मिक्स करना है और 150 लीटर पानी में मिलाकर किसान भाइयों इसको अपने आप को पूरे खेत में इसका जो है छिड़काव कर देना है, स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। इसका जो रिजल्ट है वो आपको 15 से लेकर 18 दिन के बीच ही देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जब आप अपने सरसों के खेत में जाएंगे किसान भाइयों तो आपकी जो सरसों की फलियां होंगी वह अलग ही लेवल पर होंगी। सरसों में फलियां बनते समय इन दोनों स्प्रे का ही आपको इस्तेमाल करना है, बाकी किसी भी कोई भी उर्वरक का इस्तेमाल इस समय आपको नहीं करना है। ये दो उर्वरक पर्याप्त हैं हमारे सरसों के फलिया को बढ़ाने के लिए, उसमें दानों के भराव की संख्या को बढ़ाने के लिए यह दोनों स्प्रे ही पर्याप्त हैं। किसान भाइयों आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब आपके सरसों की फसल में फूल से फलिया बनना शुरू हो जाएं तभी इसका आपको उपयोग करना है, फूल बनते समय किसान भाइयों इसका उपयोग आपको नहीं करना है। तो किसान भाइयों इन दोनों स्प्रे का आप सही समय पर सही मात्रा में यदि इस्तेमाल करते बताए गए मापक पर अगर किसान भाइयों इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो निश्चित ही किसान भाइयों आपके जो सरसों का
उत्पादन है वह 20 से लेकर 25% तक आपको अधिक मिलने वाला है। यदि किसान साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के किसान भाइयों घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसे ही नॉलेजबल भरे वीडियो आप देखते रहें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।